ग्वालियर के घाटीगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आकाश सिकरवार के महिंद्रा ट्रैक्टर चुराने वाले आरोपी को राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने ट्रैक्टर को चुराकर धौलपुर के जंगल में छिपा रखा था। पुलिस की सफलता से खुश होकर ग्रामीणों ने पुलिस स्टाफ का सम्मान किया है। मामला ग्वालियर जिले के घाटीगांव का है, जहां बदमाशों ने आकाश सिकरवार के घर के बाहर से महिंद्रा ट्रैक्टर चुरा लिया। फरियादी की शिकायत के बाद घाटीगांव पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घाटीगांव थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह द्वारा मुखबिर पर लगाए गए, जहां पता चला कि पावाटा व पावा गांव थाना पनिहार के चार आरोपियों एवं एक ट्रैक्टर धौलपुर जिले के जंगलों में छिपा कर रखे है। पुलिस ने दबिश दी, जहां से पावा गांव के एक आरोपी को हिरासत में लिया और उससे महिंद्रा ट्रैक्टर बरामद किया गया। चोरी के खुलासे में दिन रात एक करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, सुरेश शर्मा, अजय बहादुर कई पुलिस कर्मियों की मुख्य भूमिका रही। पुलिस की कार्यवाही से खुश होकर ग्रामीणों ने घाटीगांव थाने पहुंचकर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ को सम्मानित किया। आकाश सिकरवार, कब आपका ट्रैक्टर चोरी? मेरा 19 तारीख की रात को ट्रैक्टर चोरी हुआ था घर से। तो जब आप थाने आए तो कैसा व्यवहार? व्यवहार बिल्कुल कुशल व्यवहार रहा और बहुत मेहनत की उन लोगों ने और जी जान से ट्रैक्टर लाके दिए। मेरा ट्रैक्टर मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल मिल गया ट्रैक्टर और मैं बहुत ही आभारी हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज आप लोगों ने जो सम्मान किया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस ऐसे ही कार्य करती रहे सब लोग और सम्मानित करते हैं, हम लोग सम्मानित करते हैं उनको। 19 अप्रैल को फरियादी आकाश सिकरवार निवासी घाटीगांव द्वारा चोरी की FIR दर्ज करवाई गई थी। FIR दर्ज करने के बाद में प्रकरण विवेचना में लिया गया और ट्रैक्टर एवं अज्ञात चोरों की तलाश की गई। वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे एडिशनल SP दयाद जयराज कुबेर साहब एवं SDOP साहब के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया और टेक्निकल तरीके से ट्रैक्टर की तलाश की, जो दिनांक 28-29 तारीख की रात्रि को बाड़ी धौलपुर के जंगलों से ट्रैक्टर को बरामद किया। इसी बात से खुश होकर के संपूर्ण ग्रामवासियों ने पूरी पुलिस का सम्मान किया है। जब पुलिस का सम्मान किया गया तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? जब पुलिस का सम्मान किया गया तो मेरे को आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पुलिस का असली काम यही है, किसी पीड़ित को न्याय दिलाना, किसी के खोए हुए सामान को वापस दिलाना और मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा है पूरा हमारा थाना स्टाफ के ग्रामीण लोगों के मन में एक पुलिस के लिए जो नेगेटिव छवि होती वो निकल करके पॉजिटिव छवि उत्पन्न हुई है और सब लोग सम्मान की नज़र से पूरा थाना क्षेत्र हम लोगों को देख रहे हैं। साथ ही अपराध प्रवृत्ति के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? अपराध प्रवृत्ति के लोगों के लिए यही कहना है कि घाटीगांव थाना क्षेत्र छोड़ जाएँ, गलती से भी इधर ना झाँकें। 1.5 साल लगभग मेरे को हो गया है और पूरे कार्यकाल में आज की तारीख में ऐसा कोई चोरी लूट डकैती का मामला नहीं है जो ट्रेस नहीं हुआ हो, जिसमें सारी संपत्ति बरामद नहीं हुई हो, चाहे हाईवे की ऑटो से जो दंपत्ति थी उसका लूट का मामला हो, चाहे बोलेरो से 3 लाख रुपए बैग भरा हुआ उठा ले गए तो वो मामला हो, पूरे 3 लाख रुपये बरामद करवाए। उसके बाद में साड़ी कपड़े व्यापारी के साथ में लूट हुई वो मामला, उसमें भी सारे अंदर हैं और माल बरामद किया, और चाहे ट्रैक्टर चोरी का मामला हो इसमें भी ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है, मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी फरार हैं उनको जल्द गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा, यही मेरा संदेश है। साथ ही एक सवाल आपको करना चाहूँगा, जो ट्रैक्टर चोरी में जो लोग पकड़े गए हैं क्या वो पहले भी अपराध कर चुके हैं इस टाइप का या पुराना पहली बार? उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, नए नए लड़के थे और नई नई उन्होंने चोरी स्टार्ट की थी और उनको अपन ने पकड़ लिया। घाटीगांव से रहीस खान की रिपोर्ट।